क्या आप भी अपना पैसा आने वाले समय में डबल करना चाहते हो? हाँ जी दोस्तों, आपके लिए मैं एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो 52 रुपये का है। तो ये आने वाले समय में आपका पैसा डबल करके देगा। डबल क्या, 100 गुना भी करके दे सकता है आपका पैसा आने वाले समय में, यदि इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सब कुछ आपको वन बाई वन बताऊँगा। आप लोग देख सकते हो, जो ये मैक्सिमम अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है 2023 में, जब से ये 28% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, तो अभी ये ज़्यादा रिटर्न नहीं प्रोवाइड किया है। एंड मैं इसमें बात करूँ, जो इसका जो मार्केट कैप है, इधर आप लोग देख सकते हो मार्केट कैप, इसका मार्केट कैप 200 करोड़ के आसपास है इसका मार्केट कैप। एंड ये जो अभी हाई बनाया था, ये 59% का हाई बनाया था। एंड जो ये लो बनाया था, ये 28% का लो बनाया था। एंड मैं इसके प्रोडक्ट का बात करूँ, जो इसका प्रोडक्ट क्या है, ये कंपनी बनाती क्या है, तो आप लोग देख सकते हो इसका जो प्रोडक्ट है, ये क्लॉक बनाती है, घड़ी बनाती है। आप लोग इधर देख सकते हो, डिफरेंट टाइप की घड़ी बनाती है। आप लोग इधर देख सकते हो, ये देख सकते हो अलार्म टाइम, ये घड़ी बनाती है। एंड चेक करेक्ट कैलकुलेटर, ये भी कैलकुलेटर भी बनाती है ये कंपनी। तो ये सब डेली लाइफ में यूज होते हैं। आप लोग इधर देख सकते हो, एक ये ब्रांड है, अभी नया नया ब्रांड है, धीरे धीरे आगे चल के ये एक अच्छा ब्रांड बन सकता है। तो इसमें जैसे कि ऐसे स्टॉक में जब आप पैसा लगाएंगे, तो ये है थोड़ा वो है, डर है कि आगे चल के ये ब्रांड बनेगा कि नहीं बनेगा, आगे चल के ये कैसा परफॉर्म करेगा, थोड़ा डर तो है। बट यदि ऐसे स्टॉक में आप पैसा लगा देते हैं 10-15 हज़ार रुपया, तो और भूल जाते हैं इस पैसे को, तो इफ़ यू तो आपको पता नहीं है कि कब ये ब्रांड बन जाए और कब आने वाले समय में इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाए, एंड आपका पैसा 10 गुना 100 गुना भी हो सकता है। ऐसे ही स्टॉक में, ऐसे ही स्टॉक को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऐसे स्टॉक को आपको फाइंड करना पड़ेगा जिनका खुद का एक ब्रांड वैल्यू हो, खुद का उनका एक ब्रांड हो, तब उसमें उस स्टॉक में आप पैसा लगाओगे, तब पैसा आपका भागेगा, कि ना वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो, उनका खुद का ब्रांड रहेगा। तो आज नहीं कल यदि वो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा करेगा, सब कुछ अच्छा करेगा, तो हो सकता है वो स्टॉक आगे चल के आपको मल्टीबैगर बन जाए और आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर दे। तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले इसका मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा देख लेना, एंड बहुत सारी चीज़ को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना। बट आप लोग को ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो मैंने आपको दिखा दिया, और मैं कंपनी का नाम बताऊँ तो आप लोग देख सकते हो, जो कंपनी का नाम इधर है, इधर कंपनी का नाम लिखा हुआ, इसे आप गूगल पे टाइप करके फर्दर रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने आपको एक अच्छी कंपनी का ओवरव्यू दिया है, मैं कोई इन्वेस्ट करने के लिए आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आप इसमें और रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छी कंपनी है।